हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, राजस्थान के अंदर लग सकता है फिर से लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर पूरी क्या कुछ अपडेट है आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये न्यूज़ गलत है। सो गाइस, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इस न्यूज़ के अंदर जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो एकदम प्रूफ के साथ बताई जाएगी। सो गाइस, पूरा वीडियो मिनट का वीडियो है और दोस्तों पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कई देशों के अंदर दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा है। वहीं दोस्तों, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, पिछले महीने ही यहाँ पर जो है दूसरी लहर है वो एकदम से ख़त्म हुई, लेकिन अब फिर से जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे अब अगस्त आधा आ चुका है, लेकिन जैसे सितंबर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेज बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, पूरे राजस्थान के अंदर भी कुछ यहाँ पर केसेज सामने आ रहे, लेकिन कोरोना के केसेज के अंदर मृत्यु दर एकदम से घट चुकी है, जिस कारण दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के अंदर अनलॉक तो है, लेकिन राज्य सरकार को यह भी चिंता है कहीं डेल्टा प्लस वेरियंट न फैल जाए। इसी कारण से दोस्तों राज्य सरकार कुछ सख्ती बरतने को तैयार है। इसी के लिए दोस्तों कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर यदि डेल्टा प्लस वेरियंट के केसेज कुछ दिनों के अंदर और बढ़े तो फिर राजस्थान के अंदर अनलॉक लगाए अनलॉक के सर दोस्तों लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में अभी तक लॉकडाउन लगाने को लेकर पूरी तरीके से कोई तरह की अपडेट सामने नहीं आई है। जल्द दोस्तों लॉकडाउन के बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको जरूर से बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों अभी भी राजस्थान के अंदर कोरोना के केसेज थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरियंट इतना खतरनाक है क्योंकि इस पर वैक्सीन भी काम नहीं करती। क्योंकि डेल्टा प्लस वेरियंट आने पर यहाँ पर जो कोरोना के DNA का म्यूटेशन था वो दोस्तों पूरा हो चुका है दोस्तों, अब जो परिवर्तन हो चुका है उसके DNA में, जिस DNA के ऊपर प्रभावी वैक्सीन बनाई गई थी वो वैक्सीन अब इस पर काम नहीं करने वाली है। इस कारण से दोस्तों कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट केसेज कम हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों यदि केसेज ज़्यादा आए तो फिर कोरोना के कारण यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस कारण दोस्तों राजस्थान सरकार ने सख्ती बरतने को लेकर कहा है। अभी तक दोस्तों लॉकडाउन नहीं लगा, लोग जैसे इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।